अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बस अभी लैंडिंग की थी, साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने कहा चलो साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे लैंडिंग करता हूँ, लूट करता हूँ और जहाँ से फायरिंग की साउंड आ रही थी वहाँ चलते हैं। हेलमेट नहीं था तो हेलमेट लेना ज़रूरी था, क्योंकि हेलमेट के बगैर फाइट लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक हेड शॉट मार होता है बंदा। अब यहाँ से बॉट फायरिंग हो रही थी, अब तो ऐसे डायरेक्ट जा नहीं सकते। यहाँ अब नीचे से दो तीन जगह से फायरिंग की साउंड आ रही थी वहाँ चलता हूँ। अब यहाँ पे रूफ़ पे आके लोकेशन देख रहा था कि कोई नज़र आ जाए, लोकेशन का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। कैंपिंग कर रहे थे, अंदाज़ा था मुझे कि दो तीन होंगे कम से कम। अब यहाँ पे साउंड आने लग गई थी फुटस्टेप्स की, फुटस्टेप्स भी आने लग गए थे। वेट करता हूँ यहाँ पे। के कवर ने फायदा दे दिया, हीलिंग करते हैं। लूट करते हैं थोड़ी देर, फिर निकलते हैं। अब यहाँ ये फुल फिनिश नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डायरेक्ट फिनिश नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके टीममेट्स लाजमी होंगे जो लाजमी रश करेंगी। जोन भी आ रहा था, जोन बन गया था, जोन में जा रहा था। यहाँ अब दोबारा फुटस्टेप्स की साउंड आ रही थी तो यहाँ देखते हैं कहाँ से आते हैं लोग। तो यहाँ से आके एंटर हो दोनों नॉकआउट। 1v2 हो, 1v3 हो, 1v4 हो, कभी पैनिक नहीं होना। जब भी इंसान पैनिक होता है तो फिर फाइट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनिमीज को हमेशा लाइट लेना चाहिए। मैं अपने आप को प्लेयर समझेंगे तो अगले बंदे को मार सकेंगे ना, डर के मरने से अच्छा लड़ के मर। ये दोनों भी डायरेक्ट फिनिश नहीं हुए थे तो स्मोक करके लूट कर रहा था एहतियातन। यहाँ पे भी स्मोक कर देता हूँ क्योंकि मुझे डाउट था कि इनका फोर्थ टीममेट भी यहीं पे कहीं पे होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। नॉकआउट करता हूँ, फोर्थ टीममेट इनका नज़र नहीं आता तो जाता हूँ जोन की तरफ। फुल बूस्ट कर लेते हैं, बूस्ट आपको बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि क्लच के दौरान अगर आपकी हेल्थ कम होती है तो साथ साथ ही हेल्थ आपकी बढ़ती जाती है, इसका बहुत बेनिफिट है। अब यहाँ से भी ऊपर से भी फायरिंग की साउंड आ रही है, लेफ्ट साइड से भी आ रही है। बॉट की लेफ्ट साइड से साउंड आ रही थी, ये बंदा नज़र आता है बॉट पर तशद्दुद करता हुआ, एक ही हेड पड़ता है, नॉकआउट हो जाता है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर से भी साउंड आ रही थी। अब दोबारा साउंड आ रही तो यहाँ पे रुक जाता हूँ, ऊपर लेके इसको नॉकआउट किया, फिनिश किया। ये भी डायरेक्ट फिनिश। हीलिंग करता हूँ, लूट एडजस्ट करता हूँ।
और अब ढूंढते हैं लास्ट बंदे को। यहाँ पे एहतियातन स्मोक कर लेता हूँ, स्मोक का बहुत फ़ायदा है। अब मुझे बंदा नज़र आ गया, लेकिन यहाँ से उसको मारना बहुत बड़ी बात है। उसने सिर्फ दो हेड शॉट मारनी है। बेशक मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट है, लेकिन किल कर देना। तो यहाँ से फाइट लेना बेवकूफ़ी थी। एक तो उसको हाइट का भी एडवांटेज था, नीचे वो आना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ से बेहतर यही है कि यहाँ से निकला जाए, क्योंकि नीचे तो उसने आना नहीं, और हाइट से आराम सुकून बहुत आसान होता है किसी को भी नॉक आउट करना। अब मुझे पता था कि यहाँ पे इसने नीचे नहीं आना, तो हील बैटल ही होना एंड में। उसने नीचे आना नहीं और मैं इतना ऊपर जा नहीं सकता जहाँ पे वो चढ़ा हुआ है। हीलिंग देख रहा था अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि हील बैटल के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नीचे आ जाता हूँ, बिल्कुल जोन के सेंटर में जाना चाह रहा था। अब मैं रेडी हूँ हील बैटल के लिए। ओ ये क्या हुआ? इसके पास मेरा ख्याल है हीलिंग ही नहीं थी बिल्कुल।